वेलकम टू करण सर इन्फोटेक। करण सर इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वन स्कूल टीचर ऐप से किस प्रकार से हम ई अधिगम टीचर बन सकते हैं, कैसे हम होमवर्क भेज सकते हैं और कैसे हम बच्चों को भी ई अधिगम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी एम्प्लॉई आईडी और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कर लेंगे। हाँ, लॉगिन करने के बाद आपको जो फर्स्ट इंटरफेस है उस पर आपको आपका नाम नज़र आएगा और ये जो होम का बटन है यहाँ से आपको होम नज़र आएगा और यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये लोडिंग हो रहे हैं। यहाँ से आपको अपनी क्लास और यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अभी ये अपलोड हो रहा है, मतलब अभी ये जो एप्लीकेशन है वो लोडिंग में है। वेट कर लेते हैं कुछ सेकंड। अभी देख पाओगे कि मेरा स्टेटस जो है वेल डन, यू आर एन ई अधिगम टीचर और मैंने 136 मिनट इसको यूज़ किया है लास्ट वीक में। जो वीक कंसिडर होता है वो मंडे से लेके नेक्स्ट संडे तक होता है और उसका मंडे से लेके संडे तक जो भी आप काम करोगे वो नेक्स्ट मंडे से आपका यहाँ पर शो होगा। तो देखिए अभी ये अपडेट भी हो गया है। आज की डेट है 2 सितंबर और आप देख पाओगे यहाँ से आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर पाओगे। ई अधिगम और वन स्कूल टीचर ऐप में चार क्लास अभी शो हो रही हैं, 9, 10, 11 एंड 12। तो जो भी आप में जिस भी क्लास में आपको वर्क भेजना है आप उस क्लास को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपका सेक्शन है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने ये सिलेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अभी आप देखोगे इसमें 33 बच्चे जो हैं वो शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे 33 स्टूडेंट्स इस सेक्शन में हैं। एक प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे टीचर्स के बच्चे नहीं शो हो रहे हैं इसमें। तो अगर आपके सेक्शन में बच्चे शो नहीं हो रहे हैं तो इसका एक कारण यह है कि आपके बच्चों ने अभी तक एक बार भी लॉगिन नहीं किया है। तो आप अपने क्लास के सभी बच्चों का एक बार वन स्टूडेंट ऐप पर लॉगिन करवाएं, उसके बाद आपके क्लास में बच्चे जो हैं वो शो होने लग जाएंगे। जितने भी बच्चे इस सेक्शन में होंगे वो आपको जो है यहाँ पर नज़र आएंगे। जैसे अभी इस सेक्शन में 33 हैं, कोई और सेक्शन हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें जितने बच्चे होंगे, जैसे यहाँ पर 14 बच्चे हैं सेक्शन ई में, तो 14 बच्चे शो हो जाएंगे। तो एक प्रॉब्लम ये अभी है कि बहुत सारे जो टीचर्स के जो क्लासेस वाइज सेक्शन में जो बच्चे शो हो रहे हैं वो एक सेक्शन में शो नहीं हो रहे हैं, अलग अलग शो हो रहे हैं। तो ये ऐप की प्रॉब्लम है, इसको अभी ठीक नहीं किया जा सकता। तो आपके जो फर्स्ट इंटरफेस है उस पर यही चीज़ें नज़र आती हैं कि आपने कितने मिनट आपने ये ऐप यूज़ की है और कितना आपने होमवर्क भेजे हैं और आप ई अधिगम टीचर हो या नहीं। ये सारी प्रोग्रेस जो आपको प्रीवियस वीक की दिखाता है, पिछले सप्ताह की दिखाता है। अब देखते हैं हम कि हमें होमवर्क कैसे भेजना है। तो होमवर्क के लिए आप जो है वो ये जो होम वाला टैब है उसके नीचे जो ये एक सिंबल बना हुआ है, इस वाले सिंबल पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना, जैसे पेपर बोर्ड जैसा सिंबल। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि आप के कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो मैंने जो 11th, आप पहले यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर ले अपना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से 11th A सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर आपके वो सभी 11th A के सेक्शन के बच्चों के पास जो जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ शो होने शुरू हो जाएंगे। आपने जो भी वर्क भेजे हैं, जैसे इंग्लिश के जो वर्क भेजे हैं वो यहाँ पर शो होने शुरू हो जाएंगे। कितने बच्चों ने किए हैं, 33 बच्चों में से 12 ने किए हैं, 33 बच्चों में 11 ने किए हैं, वो यहाँ से होंगे। इसी तरह हिंदी के आपने अगर कोई वर्क भेजा है, तो मैंने इस ऐप से लगभग सभी सब्जेक्ट के वर्क भेजे हैं, बट आपको आपका ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वर्क भेजना है। जैसे हिंदी में मैंने अभी यहाँ पर काफ़ी वर्क भेज रखे हैं, हिंदी से भी 33 बच्चों को भेजे हैं, 8 बच्चों ने किए हैं। ऐसे ही फिजिक्स का वर्क आपने कितने बच्चों को भेजा हुआ है और कितने बच्चों ने किया हुआ है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। सिमिलरली बायोलॉजी का, सिमिलरली मैथमेटिक्स का। ये तो आपको शो कर रहा है कि कितना वर्क आपने भेजा है, कितने बच्चों ने किया है, कितने का पेंडिंग है। अभी वर्क आपको भेजना कैसे है उसके लिए आप देख पाओगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट न्यू होमवर्क। तो इस पर आप क्लिक करोगे क्रिएट न्यू होमवर्क पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आपने जिस भी क्लास को सेक्शन को वर्क भेजना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 11th क्लास और सेक्शन जो है वो ए इंग्लिश शो रहा है। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इस सेक्शन में जो भी सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी 5 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, तो मैं कोई एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ फिजिक्स। उसके बाद आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे,
टॉपिक में आप जो भी पढ़ा रहे हो, या अगर आप नहीं पढ़ा रहे हो, जो भी आपने वर्क भेजना है उसका टॉपिक आप सिलेक्ट कर लोगे। तो मैं मोशन स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट कर लूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन मिनिमम आपको 5 सेलेक्ट करने हैं, मैक्सिमम आप जो है वो 20 तक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने 5 ही सेलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट आप क्या करेंगे इसके बाद, इन सब के बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट 5 क्वेश्चन। आपको वो 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जिनका आप होमवर्क भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वो वर्क क्वेश्चंस आ जाएंगे, रेडीमेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचना है आपको, जस्ट ऐड 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 और ऐड पे क्लिक करना है, 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही 5 क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ऐड सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो इस पर क्लिक कर देना है। अभी आपके क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। अब आपको काम भेजना है, तो उसके लिए सबसे पहले कहेगा कि आप एक टाइटल लगाएं कि आप किस नाम से काम भेजना चाहते हैं। तो मैं इसको बोल देता हूँ फिजिक्स 5 बोल देता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हो आप। उसके बाद ड्यू डेट का मतलब होता है कि आप कब तक ये होमवर्क आपका बच्चों के पास एक्टिव रहेगा। कई बार हम सोच लेते हैं ड्यू डेट का मतलब है कि किस टाइम ये बच्चों को वर्क शो होगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है, ड्यू का मतलब है कि आप का ये काम जो है कब तक शो होगा, ठीक है। तो मैं इसको मंडे तक का टाइम दे देता हूँ, 2 सितंबर है, मैं 4 सितंबर तक का टाइम दे देता हूँ। तो इसको मैंने सेट कर दिया, टाइम भी आप सेट कर सकते हैं। मान लो 4 बजे का मैंने टाइम दे दिया और उसको सेट कर दिया। अभी इसके बाद हमने ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है। ड्यूरेशन मतलब कितने मिनट में ये टेस्ट बच्चा अगर स्टार्ट कर देता है तो कितने मिनट में ख़त्म करना होगा, 30 मिनट में, कितना भी टाइम आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं अब क्रिएट एंड सेंड पे क्लिक करूँगा, ये होमवर्क जो है वो सेंड हो जाएगा। सेंड होने का यहाँ पर मैसेज आएगा ग्रीन कलर में, वो भी हम दिखा देते हैं आपको। थोड़ा ऐप अभी स्लो चल रही है जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो जैसे ही आपका वर्क सेंड होगा तो आपने स्क्रीन पे शायद देखा हो तो लिखा हुआ आ जाएगा टेस्ट हैज़ बीन सेंड ग्रीन कलर में। तो वो टेस्ट जो है आपका सेंड हो जाएगा। और आप यहाँ पर फिजिक्स पे क्लिक भी करके देखोगे तो आपको टेस्ट यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। देखिए मोशन स्ट्रेट लाइन का मैंने अभी फिजिक्स 5 के नाम से जो वर्क भेजा था वो भी शो हो रहा है, 0 बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। तो इस तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट का वर्क यहाँ से आप भेज सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ई अधिगम टीचर बनने के लिए आपको एटलीस्ट 2 वर्क भेजने हैं, और एटलीस्ट ऐप को जो आपने यूज़ करना है, जो आपका यूज़ टाइम होना चाहिए वो 120 मिनट का होना चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से बच्चे आपके ई अधिगम बन गए हैं और कौन कौन से नहीं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आपके स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी, और किसी बच्चे को सिलेक्ट करें आप। जैसे हम किसी बच्चे को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास उसके रिपोर्ट कार्ड यहाँ आ जाएगी। जैसे हम स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड पे क्लिक करेंगे वो हमें ये भी बताएगा कि बच्चा ई अधिगम स्टूडेंट है या नहीं है। पोर्टल थोड़ा स्लो है, टाइम लगता है, बट वर्किंग में है। जैसे अभी ये कृष्ण है, वो कृष्ण इज़ नॉट एन ई अधिगम स्टूडेंट। तो जैसे ही बच्चे 2 होमवर्क करेंगे और 2 रेमेडीज टेस्ट करेंगे तो बच्चे हर एक सब्जेक्ट के लिए ई अधिगम टीचर स्टूडेंट वो बन जाएंगे। तो हमारा काम यहीं पर ख़त्म होता है। हमें वीक में जो है वो मैंने जो है वो टीचर्स के लिए जो वर्क 2 घंटे का बोल दिया था, बट ई अधिगम टीचर करने के लिए 1 घंटा आपको पर वीक इस ऐप को यूज़ करना है और 2 पर्सनलाइज्ड होमवर्क भेजने हैं। तो यहाँ से होमवर्क भेजने का ये प्रोसेस था। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी और कुछ आपको हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।